हेलो एवरीवन गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हाउ आर वी कैसे हैं हम कम ऑन क्विकली टेल मी आर वी एक्साइटेड फॉर दिस इवनिंग आर वी एक्साइटेड फॉर दिस इवनिंग अच्छा बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल ऑडिबल मतलब क्या मैं आपको सुनाई दे रही हूँ एम आई ऑडिबल गिव मी अ थम्स अप कम ऑन क्विकली गिव मी अ थम्स अप ओके यस यू कैन सी मी आई नीड थम्स अप मैन कम ऑन क्विकली क्विकली बहुत सारे थम्स अप चाहिए मुझे वाह अब आने लग गए ना मेरे पास बहुत सारे थम्स अप सो ओके रेगुलर स्टूडेंट्स आर ओके आई हैव अंशिका धर्मपाल श्रुति राजेश दिव्यांका स्नेहा वंदना एवरी वन सो यू कैन सी मी यू कैन हियर मी राइट अब मुझे पहले ये बताओ कि हम कितने एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए हाउ एक्साइटेड आर वी फॉर द सेशन कम ऑन फर्स्ट फाइव मिनट्स आई टोल्ड यू हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें सो हाउ आर वी फीलिंग हाउ इज द जोश हाउ इज द जोश आ हाय सर हाय मदाम हाउ इज द जोश हाई एक्सट्रीमली हाई

ओके द फर्स्ट नॉवल दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इज द ब्रोकन फ्ल्यूट बाई शारदा द्विवेदी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम हेरी पॉटर स्टार्ट करते हैं बट ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू गो विद हैरी पॉटर लेकिन हरी पॉटर को स्टार्ट करने के पहले मुझे आप लोगों की रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करनी है बिकॉज हैरी पॉटर जो है ना उसको हम पढ़ने में जो है हमको बहुत सारा टाइम लगेगा मे बी हमें अपने नंबर ऑफ़ सेशंस भी इंक्रीज करने पड़ेंगे तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं द ब्रोकन फ्ल्यूट बाय शारदा द्विवेदी अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसमें आपको बहुत सारे इमोशंस जो है ना आप उन सारे इमोशंस को फील करोगे हमने वर्ड ऑफ द डे में बहुत सारे वर्ड्स देख देखे अब आप उन वर्ड्स को जो है ना रिलेट कर पाओगे आप उन वर्ड्स को समझ पाओगे क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू रीड वर्ड्स आपको ऐसा लगेगा आई ऑलरेडी नो दिस वर्ड ये तो मैम पढ़ा चुकी है एंड दैट इज दैट इज हाउ आई प्लान एवरी थिंग सो फ्लूट जो है इसमें टोटल थर्टीन चैप्टर्स हैं ओके दिस बुक हैज ओवरऑल थर्टीन चैप्टर्स रिटर्न बाय शारदा द्विवेदी अब मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग अ बुक कुछ बातें बताना चाहती हूँ ऑलवेज़ रिमेंबर जब आप क्रॉसवर्ड या किसी भी शॉप पे बुक लेने जाते हो ना इट इज़ इम्पोर्टेंट आप कोई भी बुक पढ़ते हो उसके राइटर का नाम पता होना चाहिए देन इट इज़ रिटन इलस्ट्रेशन बाई इलस्ट्रेशं का मतलब क्या होता है इस बुक में जितने भी पिक्चर्स बने ना उन्हें हम कहते हैं इलस्ट्रेश और इलस्ट्रेटर वो होता है जो ये इलस्ट्रेशंस बनाता है तो so ये आपको पता होना चाहिए सो मारियो मो इज़ द वन जिन्होंने ये सारी बुक में बहुत अमेजिंग इमेजेस बनाई हैं

सो नाओ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हम बुक को रीड करना करने कैसे वाले हैं वैन वी रीड दिस बुक मैं हर टेन मिनट्स में जैसे एक पेज एक हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया उसके बाद विल हैव अ लिटल डिस्कशन अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी बट रिमेंबर नीड टू फोकस नीड टू कॉन्सेंट्रेट आप जो है अगर कोई डाउट होता है वो पूछोगे और लास्ट के जो 15 मिनट्स रहेंगे मतलब 7:45 पे हम अपना रीडिंग कंप्लीट करेंगे 7:45 से 8 ओ क्लॉक तक अगर हमारी बुक मान लो उस वक्त चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो थोड़ा आगे भी जा सकता है आप मुझसे सारे डाउट्स क्लियर करोगे मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी हम बुक के इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे बहुत सारे कोई भी फ्रेज है कोई डिफिकल्ट वर्ड है कोई भी इडियम है मैंने मैं यहां पे आपको सब एक्सप्लेन करने वाली हूं इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ राइट इन रिटर्न टू स्टार्ट द बुक कम ऑन टेल मी आर टेलमी रेडी टू स्टार्ट द बुक येस लेट्स स्टार्ट इट सो हियर इन दिस बुक वी हैव टोटल थोटी चैप्टर्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ अब ब्रोकन फ्लूट ये जो हमारी बुक का नाम है ब्रोकन मतलब टूटा हुआ फ्लूट का मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका जिसका नाम होता है बांसुरी ओके okay, जो कान्हा जी बजाते थे सो so, बांसुरी तो आज जो है अब इस हम स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं ब्रोकन फ्लूट सुन के कैसा लग रहा है कि ये कोई सैड स्टोरी होने वाली है या कोई हैप्पी स्टोरी होने वाली है ब्रोकन मतलब टूटा हुआ टूटा हमें कोई भी नेगेटिव चीज के बारे में बताता है हाउ इज द द स्टोरी गोइंग टू बी लेट्स रीड सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यू फ्लूट फ्लूट द न्यू इसमें दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू शो यू द बुक बुक का एक एक पेज इस तरीके से आपके सामने रहेगा प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डालूंगी जहां पे आप इस बुक को ऑनलाइन भी रीड कर सकते हो आवे क्लियर क्या आपको ये इमेज क्लियरली दिख रही है एवरीवन प्लीज टेल मी कमऑन क्विकली क्विकली ओके जितने भी बच्चों का आज बर्थडे है मेरी तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू मे ऑल योर विशेज कम ट्रू आप बहुत सारी चीजें लाइफ में चाहते हो बट मैं हमेशा एक विश करती हूँ जो आपके लिए सही है जो आपके लिए अच्छा है वो आपको जल्दी से मिल जाए ओके okay? चलिए अब मैं बात करने वाली हूँ इस बुक की शेल वी स्टार्ट कमॉन क्विकली टेल मी शेल वी स्टार्ट ओके यू आर नॉट एबल टू सी दिस इट इज़ द लिटल ब्ल ओके सो अभी मैं आपको ये रीड कर रही हूँ ठीक है ये वाला जो है इसमें जो है इसके बाद मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी डाल दूंगी सो so, अभी डोंट वरी ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम थोड़ा काम चलाते हैं ठीक है आई एम गोइंग टू रीड एवरी थिंग सो यू डोंट हैव टू वरी और बाकी यहाँ जो मीनिंग्स लिखे रहेंगे वो आपको क्लियरली दिखेंगे चलिए स्टार्ट करें द न्यू फ्लूट I have often wondered, why must मस्टर story begin at the beginning? अब हमारे जो नरेटर है, नरेटर कौन होता है जो पूरी स्टोरी को बताता है तो ये जो हमारी नरेटर है वो एक बच्ची है जिसका नाम है माया वो क्या कह रही है मैं कई बार सोचती हूँ आई हैव ऑफन वनडर्ड का मतलब होता है मैं कई बार सोचती हूँ वाई मस्टर स्टोरी बिगिन ऐट द बिगनिंग ये हर स्टोरी शुरुआत से ही शुरू होना क्यों ज़रूरी है आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आप लास्ट के पेज से क्यों नहीं पढ़ सकते वाई कैन इट नॉट स्टार्ट एट द एंड हम इसको एंड से क्यों नहीं पढ़ सकते आई हैव अ रीज़न मेरे पास एक रीज़न है कोर्स फॉर थिंकिंग दिस वे अब मेरे पास एक रीज़न है अपनी बात को इस तरीके से सोचने का क्यों सोचती हूँ मैं कि कोई भी बुक लास्ट से स्टार्ट होनी चाहिए आई लाइक स्टोरीज that end happily and i'll confess to being one of those cowards who reads the last page of a book first ab wo yahan kya keh rahi hai i will confess to being one of those cowards ab yahan pe jo confess hai confess का मतलब होता है अपना कोई भी गलती अगर आपने की है ना तो उसे कबूल करना ठीक है अब इसके जब मैं आपको कोई भी डिफिकल्ट वर्ड बता रही हूँ ना उसको अपने दिमाग में सोचते जाना कि आप इसे कैसे कहोगे अब वो ये कह रही आई विल टू वन ऑफ कावर्स तो मैं ये मानती हूँ मतलब मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं उन डरपोक लोगों में से हूँ कावर्ड्स का मतलब क्या होता है डरपोक मैं उन डरपोक लोगों में से हूँ हु रीड्स द लास्ट पेज ऑफ अ बुक फर्स्ट जो बुक का लास्ट पेज पहले पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारी नरेटर बोल रही है कि मैं तो भैया उन डरपोक लोगों में से हूँ जो बुक का लास्ट पेज पहले पढ़ते हैं जस्ट टू मेक श्योर द स्टोरी डजेंट एंड इन ट्रेजिडी सिर्फ इतना कंफर्म करने के लिए कि स्टोरी जो है ना उसका कोई ट्रैजिक एंड ना हो ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है जिसका कोई दुखद अंत हो यू you नो know, कोई मर गया कुछ गलत हो गया लास्ट में अपन जब थिएटर से बाहर निकल रहे हैं तो आंसुओं के साथ निकल रहे हैं हैज इट एवर हैपन टू यू आपको हैप्पी स्टोरीज अच्छी लगती है या सैड स्टोरीज मतलब ऐसी स्टोरी जिसके लास्ट में हीरो हीरोइन मर जाते हैं या जिसके लास्ट में यू नो दर इज हैप्पीली एवर आफ्टर सो ऑफ कोर्स हमको वैसी स्टोरीज अच्छी लगती है जो एकदम हैप्पी एंडिंग हो तो यहाँ हमारी नरेटर क्या कह रही हैं दैट सम पीपल माइट आर्ग्यू दैट इट्स रॉन्ग टू डू दैट सम पीपल माइट आर्ग्यू कुछ लोग जो है ना आर्ग्यू कर सकते हैं अब आर्ग्यू का मतलब क्या होता है बहस करना कुछ लोग बहस कर सकते हैं कि ये तुम्हारा तरीका गलत है अब भैया राइटर ने एक सस्पेंस नॉवल लिखा है तुमने लास्ट में पहले सस्पेंस ही पढ़ लिया तो फिर कैसे काम चलेगा तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि भैया तुम्हारा तरीका गलत है बट इट्स माई वे एंड नथिंग एन वन सेज विल कन्विंस मी अदर वाइज बट इट्स माई वे बट इट्स माई वे मतलब बट ये मेरा तरीका है और कुछ भी तुम कह लो मैं तो कन्विंस नहीं होंगी कन्वेंस का मतलब क्या होता है मान जाना जैसे कि मैंने आपको कन्विंस किया प्लीज हाँ हर सेशन में टाइम पे आना तो आपने बोला ठीक है मैम मैं पक्का टाइम पे आऊंगा या आऊंगी तो आप कन्विंस हो गए मैंने आपको मनाया और आप मान गई ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है सो राइट एट दउटसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रीडर्स लाइक मी सो शुरुआत में ही आउटसेट का मतलब क्या होता है आउटसेट का मतलब होता है शुरुआत में सो so, शुरुआत से ही मैं आपको ये बता रही हूं कि जो मेरी स्टोरी है ना उसका बहुत ही हैप्पी एंडिंग होने वाला है सो राइट एट द आउटसेट फॉर बेनिफिट ऑफ रीडर्स लाइक मी आई वुड लाइक टू मैं आई वुड लाइक टू मैंशन का मतलब होता है बताना मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट माई स्टोरी एंड्स आफ्टर जो मेरी स्टोरी है ना वो बहुत ही हैप्पी नोट पे खत्म होने वाली है आई वुड एंड जस्ट वी आई लाइक इट एग्जैक्टली वैसे ही जैसी मुझे पसंद है तो मेरे को अच्छी स्टोरी अच्छी लगती है और मेरी स्टोरी बहुत अच्छी है दे आई हैव बिगन माई स्टोरी एट द एंड तो देखो मैंने अपनी स्टोरी पीछे से स्टार्ट की ना मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जो मेरी स्टोरी है जो आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही हैप्पी स्टोरी है द एंड वॉज हैप्पी बट वेन एंड हाउ डिड इट रियली बिगिन एंड वाई डिड थिंग्स है वे दे डिड अब यहाँ वो क्या बोल रहे हैं दैट द एंड वॉज़ हैप्पी जो मेरी स्टोरी है इसका जो एंड है वो बहुत हैप्पी है बट वेन एंड हाउ डिड इट रियली बिगिन लेकिन ये जो कहानी है ना मेरी वो एग्जैक्टली कब शुरुआत हुई और कैसे इसकी शुरुआत हुई एंड वाई डिड थिंग्स हैपन द वे डिड और मेरे को नहीं पता कि जिस तरीके से हमारी लाइफ में चेंजेस हुए वो क्यों हुए ओके okay, मुझे नहीं पता कि जिस तरीके से हमारी लाइफ में चेंजेस हुए वो क्यों हुए नो वन इन माई फैमिली सीम्स पोर्टिकुलर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग द वाइज एंड वेयर फोर्स ऑफ एनी बहुत चीज़ें हुई हमारी लाइफ में लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी एक डिस्कस करने को रेडी नहीं है वाइज एंड वेयर का मतलब क्या होता है क्यों और क्यों कभी हम बोलते हैं ना अरे ये क्यों हुआ ये क्यों हुआ हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ इसके लिए एक बहुत अच्छा इडियम है जिसका मत, मतलब होता है वाइज एंड वेफोर्स आई डोंट अंडरस्टैंड यू नो कि हम लोग कभी डिस्कस क्यों नहीं करते हैं तो वाइज एंड वेफोर्स कहते हैं उसे वेन आई स्टार्ट टू टॉक अबाउट इट विद माई ग्रैंड फादर जब मैं हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई वो क्यों हुई कैसे हुई जब मैं ये अपने दादाजी से बात करती हूँ अपने ग्रैंड से बात करती हूँ आबा जिनको वो क्या कहती है आबा ही मतलब क्या होता है heavenward का मतलब होता है आपने देखा होगा ना अरे ये सब तो उसका किया धरा है अरे भगवान संभाल लेगा अरे बेटा ये तो भगवान की रचना है हमेशा हम हेवन वर्ड देखते हैं हेवन वर्ड का मतलब क्या होता है आसमान की तरफ देखना क्यों क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भगवान है ना वो ऊपर हेवन में है इसीलिए कहते हैं हेवन वर्ड तो वो अब माया कह रही है कि जब भी मैं अपने दादाजी से पूछती हूँ आबा से पूछती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हुआ तो वह बस हेवन वर्ड देखते हैं एंड सेज इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड और वो ये कहते हैं तो भगवान का किया धरा है इफ़ आई क्वेश्चन डैडी ही जस्ट स्माइल्स एंड होल्स मी क्लोज और अगर मैं अपने फादर से पूछती हूँ तो बस वो मुस्कुरा देते हैं और मुझे अपने पास लेके आ जाते हैं ममा डजेंट से एनी थिंग मम्मा कुछ नहीं कहती निशाद माई यंगर ब्रदर थिंक्स आई क्वेश्चन टू मच और मेरा जो छोटा भाई है जिसका नाम है निशाद उसको लगता है मैं बहुत क्वेश्चन करती हूँ सो आई सिट क्वाइटली बाई माई सेल्फ तो वो कह रही है इसीलिए मैं जो हूँ चुपचाप बैठ जाती हूँ खुद से अकेले में बाय माई सेल्फ का मतलब होता है अकेले में एंड देन आई थिंक और उसके बाद मैं सोचती हूँ वॉज इट एन एक्ट ऑफ गॉड या वाकई जो भी हमारे साथ हुआ ये सब भगवान ने किया था वाज इट कोइंसिडेंस या ये मान एक सिर्फ संयोग था संयोग मतलब कोइंसिडेंस मतलब जो बाय चांस हो जाता है नाउ समटाइम्स आई गेट द फीलिंग दैट had मम्मा नॉट बीन अ डॉक्टर कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर मेरी मम्मा डॉक्टर नहीं होती इसका मतलब यहाँ हमें पता चलता है कि माया की जो मदर है वो एक डॉक्टर हैं नथिंग वुड हैव हैपन्ड अगर मेरी मम्मा डॉक्टर नहीं होती तो शायद कभी कुछ होता ही नहीं एवरी सो ऑफन आई बिलीव दैट इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ निशाद सॉफ्ट हार्ट एंड एंडियरिंग वेज और कभी कभी मुझे लगता है ये सब जो है ये निशाद के सॉफ्ट हार्ट और उसके एंडियरिंग मतलब होता है एकदम फुल ऑफ लव उसका जो दिल है वो बहुत मासूम है उसका जो दिल है वो मतलब बहुत लवली है काइंड है शायद उसकी ही वजह से हुआ है और डिट इवेंट्स टेक शेप आफ्टर डैडी मॉम केम इन टू आर लाइफ या शायद चीज़ें तब बदली जब डैड और मॉम हमारी लाइफ में आए देर आर अदर टाइम्स हाउ एवर वेन आई एम कन्विंस डेट इट वॉज डियर गोविंद दास ओल्ड बैम्बू फ्लूट दैट चेंज आर लाइफ सो कम्प्लीटली डैट ईयर अब लास्ट में हमारी नरेटर कह रही है वो सोच रही है जो उसकी स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट हुई क्यों स्टार्ट हुई आखिर रीज़न क्या है पहले कहती है शायद मम्मी के डॉक्टर होने की वजह से फिर कहती है निशाद जो है वो बहुत प्यारा सा बच्चा है इसीलिए या शायद क्योंकि जो हमारे जो डियर गोविंदा हैं उन गोविंदा की जो एक पुरानी सी बैम्बू की फ्लूट है उस फ्लूट ने हमारी लाइफ को कम्प्लीटली उस साल चेंज कर दिया किस साल की बात हो रही है अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्चुअल स्टोरी निषाद वॉज ओनली सेवन Then, I was ten. मतलब निशाद सिर्फ सात साल का था और मैं दस साल की थी कितने साल का गैप हो गया थ्री ईयर्स का गैप हो गया वी लिव्ड इन एन ओल्ड थ्री बेडरूम्ड अपार्टमेंट अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग जो है एक पुराने थ्री बेडरूम्ड अपार्टमेंट में रहा करते थे ऑन द फिफ्थ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग और वो एक बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पे हुआ करता था सिचुएटेड इन दी ददर्न एंड ऑफ सिटी ऑफ बॉम्बे अब ये लोग कहाँ रहते थे बॉम्बे में बॉम्बे के साउथ बॉम्बे वाले एरिया में रहा करते थे एट चर्च गेट इट वॉज जस्ट ऑफ मरीन बे अब वो यहाँ कह रहे हैं कि जो मरीन बे था अगर आपको कभी भी आप मुंबई में रहे हो या आपने मुंबई से रिलेटेड कुछ भी मूवीज देखी है ना तो वो हमेशा एक बे दिखाते हैं मतलब समुद्र का एक किनारा दिखाते हैं जो एकदम नेकलेस जैसा दिखता है उसको नेकलेस भी कहा जाता है मतलब इट इज़ अ ब्यूटिफुल बे तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे वो लोग क्वीन नेकलेस जिसे कहा जाता है वहाँ के बहुत पास रहा करते थे विथ इट्स वाइड कर्विंग बे स्ट्रेचिंग फ्रॉम मालाबार हिल टू कोलाबा और उसका जो पूरा बे था बे मतलब क्या होता है जो समुद्र से जो पूरा जो आ, जो क्या बोलते हैं उसको जमीन लगी हुई होती है ना उसको पूरा बे एरिया कहते हैं तो वो जो है वो बे एरिया बहुत लंबा है वहां का मालाबार से कोलाबा तक आता है तो दीज आर टू प्लेसेस इन मुंबई आर अपार्टमेंट वॉज मोस्ट क्वेंटली डिजाइंड अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारा जो अपार्टमेंट था ना वो बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया हुआ था कोंटली मतलब एकदम एंठीक तरीके से डिजाइन किया गया था एंड बिल्ड सम दैट नाइनटीन थर्टीज़ और वो शायद कभी नाइनटीन थर्टी में कभी उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था ममा सेट वॉज इन द आर्ट डेको इस्टाइल और ममा कहती थी कि ये आर्ट डेको इस्टाइल में है आर्ट डेको का मतलब क्या होता है आर्ट डेको का मतलब होता है जो कि ऑलमोस्ट नाइनटीन टिफ्टी या नाइनटीन थर्टी में जो डेकोरेशन का स्टाइल होता था ना उस स्टाइल में बना हुआ था ये अब वो अपने घर को डिस्क्राइब कर रही है इतना याद रखना जब भी हम कोई नावल पढ़ते हैं ना इसको इमेजरी कहते हैं इमेजरी का मतलब होता है वो जो भी बता रहे हैं आप बहुत जल्दी से जो है ना उस चीज़ को समझ सकते हो अब ऐसा लगता है कि आपके सामने एक मूवी चल रही है और अगर आप नो पढ़ रहे हो और अगर आपको लगे हाँ मेरे सामने एक मूवी चल रही है इसका मतलब आप उस नावल की फीलिंग्स को समझ पा रहे हो अब हम इनके घर को समझ रहे हैं तो इमेजिन करने की कोशिश करना इनका घर कैसा दिखता है दे वर नो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रूम्स, उनके घर में कोई भी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रूम जैसे हमारे घर में होते हैं ना या तो स्क्वायर शेप होता है या रेक्टेंगुलर शेप होता है वैसे नहीं थे ईच वन वॉज यूनिक मतलब उनका जो हर रूम था ना वो एकदम अलग था ममाज बेडरूम है लिटिल एलकोव विथ विंडोज फेसिंग द बे वे द सनसेट अब ममा का जो बेडरूम था उसमें एक छोटा सा एलकोव था एलकोव क्या होता है एलकोव मतलब होता है इसको घिरौची कहते हैं अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अ रूम बेसिकली वो किस तरीके का होता है ऐसे इस शेप का एक आग जो होता है ना उस तरीके का होता है जहाँ पे बैठने का छोटा सा एरिया होता है ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ बैल्कनी मतलब वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो सो so, मम्मा का जो रूम था मम्मा के रूम में एक एलकोव था और वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वे द सनसेट जहाँ से एक विंडो थी उस एल्कोव के पीछे एक विंडो थी और वहाँ से आप ना सनसेट देख सकते थे सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल आज ओवर द ईस्ट एंड हैड अ बैल्कनी कनेक्टिंग विथ रूम हमारा जो था वो ईस्ट की तरफ था मम्मा की बैल्कनी से क्या दिखता था वेस्ट साइड वाला हमारा ईस्ट को ओवर लुक करता था और हमारी जो बैल्कनी थी वो मम्मा की बालकनी से कनेक्टेड थी इट वॉज फिल्ड विथ माई पॉटेड प्लांट्स और हमारी जो बालकनी थी उसमें बहुत सारे पॉटेड प्लांट्स थे पॉटेड प्लांट्स क्या होते हैं जैसे आपने छोटे छोटे गमले में जो है अपने पौधे लगाए हुए हैं टिन के डब्बे में पौधे लगाए हुए हैं तो लोग जो घर में डब्बे खाली हो जाते हैं उसमें भी पौधे लगाते हैं ना तो पॉटेड प्लांट्स से भरा हुआ था वो विच आबा हेड हेल्प मी टू बाई एंड रेज और उसके जो ग्रैंडफादर थे उसने उन उन्होंने उसको हेल्प किया था ये सारे जो पौधे लगाने में उन्हें बढ़ा करने में देर फ्रेगरेंट फ्लावर्स अब वो बता दिए उसकी बालकनी में कैसे कैसे फ्लावर्स थे नाउ इमेजिन वहाँ पे खुशबू वाले फ्लावर्स के प्लांट थे लाइक द जैसमिन और मोगरा अ गार्डिनिया गार्डनिया जो है फ्लावर होता है एंड अ फिरंगा फिरंगी पानी फिरंगी पानी व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जिसमें से बहुत प्यारी खुशबू आती है दे वर द यूजफुल प्लांट्स एंड यहाँ पे देख लेते हैं अब कौन सा बोल रहे हैं यहाँ पे देर द यूजफुल प्लांट्स ओके ये देखो यहाँ पे इस तरीके से वो दिखा रहे हैं ठीक है अब ऑफ करी लीव्स देर वर द यूजफुल प्लांट्स ऑफ करी लीव्स मतलब जो मीठी नीम होती है ना जिसका बघार लगता है सब्जियों में उसके प्लांट्स भी थे उसके भी जो थे आ, थे चिलीज मतलब मिर्ची का पेड़ था मिंट मतलब पुदीना का पेड़ था लेमन ग्रास जो होता है ये ना यूजुअली चाय में डलता है उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है एंड द डेकोरेटिव क्लूटॉन अब डेकोरेटिव प्लांट्स वो होते हैं जो जिसमें कोई फ्लावर्स नहीं आते लेकिन उनकी पत्तियाँ ही बहुत खूबसूरत होती है मतलब जो मंदाल फूल होता है जैसे गुड़हल का फूल भी कहते हैं इंग्लिश well में कहते हैं अब इनके जो आबा थे वो एक एविड गार्डनर थे एविड का मतलब क्या होता है जैसे अगर आपको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप क्या बोलोगे आई एम एन एविड रीडर अगर आपको जो है खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है तो आप बोलोगे आई एम एन एविड कुक तो बेसिकली एविड का मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट हो ठीक है तो वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आबा जो उसके ग्रैंडफादर थे उनको वो एक एविड गार्डनर थे फेमुलराइज मी विद ऑल द प्लांट्स उन्होंने फेमुलराइज का मतलब क्या होता है उन्होंने मुझको परिचित कराया उन्होंने मुझे जो है सारी चीज़ों की नॉलेज सारे प्लांट्स के बारे में नॉलेज दिया जैसे कि मुझे भी दिया था आप भी जब कोई प्लांट लगाते हो घर में या अपने पेरेंट्स को देखते हो या अपने गार्डनर को देखते हो तो आपको वो बताते हैं ना आप पूछते हो ये कौन सा प्लांट है तो आपको अपने घर के प्लांट्स के नाम पता चल जाते हैं तो यहाँ पे आबा उसे सब सिखाते थे एंड वो उन्होंने उसको उसके लैटिन इंग्लिश और इंडियन नेम्स बताए हर प्लांट का एक लैटिन नेम होता है इंडियन नेम होता है और इंग्लिश नेम होता है तो उसको सब पता था द थर्ड बेडरूम वॉज आ म्यूज़िक रूम एंड स्टडी अब एक तो ममा का रूम हो गया एक माया और उसके भाई का रूम हो गया और एक था म्यूजिक रूम और स्टडी रूम वे वी सैट विद ममा इन द इवनिंग्स जोइंग होमवर्क लिसनिंग टू म्यूजिक वॉचिंग टेलीविजन और जस्ट चैटिंग जहाँ शाम को हम ममा के साथ बैठे बैठते थे होमवर्क करते थे टीवी देखते थे म्यूजिक सुनते थे या सिर्फ बातें करते थे the sitting room separated from the dining room by a large decorative arch अब यहाँ वो क्या बोल रहे हैं जो ड्राॅइंग रूम था ना डाइनिंग रूम जहाँ खाना खाते थे और सिटिंग रूम के पीछे में एक बहुत बड़ा सा आश था वॉज हार्डली यूज एक्सेप्ट वेन वी हैड कंपनी और वो यूज ही नहीं होता था वो सिटिंग रूम अगर घर में कोई आया सिर्फ तब हम लोग जाके उस सिटिंग रूम में बैठते थे वरना तो हम वहाँ जाते ही नहीं थे एंड देन देर वॉज द किचन एंड गोविंदाज़ रूम विदरूम एट ज्वाइनिंग गेट अब उसके अलावा उनके घर में क्या था ये तीन बेडरूम हो गए एक किचन था और उसके अलावा एक गोविंदा का रूम था गोविंदा उनका जो ख्याल रखता था और उसके रूम से लगा हुआ एक बाथरूम था तो अब आप इमेजिन कर सकते हो उनका घर आई बी एबल टू इमेजिन दैट ऑन वीक डेज एट दोक ऑफ सिक्स अब वो अपना डेली रूटीन बता रहे हैं कि वीकडेज क्या होते हैं

गोविंदा वुट क्वाइटली स्टेप इन टू आर बेडरूम बैल्कनी गोविंदा जो है धीरे धीरे जो है हमारी बेडरूम की बैल्कनी में आया करता था एंड प्ले हिज फ्लूट और वो अपनी बाँसुरी बजाया करते थे दैट वॉज आर अलॉर्म क्लॉक और वही हमारा अलार्म क्लॉक होता था द सिग्नल टू जम्प आउट ऑफ बेड और वो हमारा सिग्नल होता था कि अब छः बज गए चलो हमें उठना है एंड ब्रश आर टीथ आई वुड लेज इन बेड फॉर अ मिनट और टू वॉचिंग निशाद इन द बैथरूम केयरफुली ब्रशिंग अराउंड द गैप्स इन हिस्स टीथ अब यहाँ वो कह रही है कि वो हमारा होता था लेकिन आई वुड लेज़ इन द बेड मैं सोचा मैं ना पाँच दस मिनट के लिए सोचती थी ओ ओ थोड़ा सो जाओ थोड़ा सा आलस फैलाओ लेकिन मेरा जो भाई था निशाद वो तुरंत उठ जाता था वॉशरूम जाता था और केयरफुली अपने दांतों को ब्रश करता था कोई भी गैप छूटना नहीं चाहिए Checking to see if any more teeth were loose. और फिर अब वो बड़ा हो रहा था वो सिर्फ का था, तो उस वक्त क्या होते हैं आपके दांत टूटने लग जाते हैं, तो देखता था कि कुछ और गिरने वाला है क्या द मोमेंट ही वॉशरूम में उसका सारा काम खत्म होता था टू ममाज रूम टू के रूम में जाता था उनको हक करता था किस करता था पिकअप हिज ग्लास ऑफ मिल्क फ्रॉम द डाइनिंग डाइनिंग के डाइनिंग के रूम डाइनिंग रूम में जाके वहाँ से अपना ग्लास ऑफ मिल्क उठाता था एंड देन यू नो डाइनिंग टेबल एंड रश आउट टू सिट ऑन द लिटिल स्टूल ऑन द बैल्कनी डाइनिंग टेबल से अपना दूध का ग्लास उठाया और तुरंत बैल्कनी में कौन सी बैल्कनी में जहाँ पे गोविंदा फ्लूट बजा रहे होते थे वहाँ एक छोटा सा स्टूल रखा था वो वहाँ जाके बैठ जाता था टू लिसन टू गोविंदा फ्लूट क्यों बैठता था टू लि टू गोविंदा फ्लूट मतलब गोविंदा की बासुरी की वो बहुत ज्यादा पसंद थी हाउ निशाद गोविंद प्लेड इच मॉर्निंग वॉज ने सिर्फ जो दस मिनट होते थे गोविंदा सिर्फ दस मिनट फ्लूट बजाता था वो दस मिनट उसको लगता था ये दस मिनट इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गए क्योंकि उसको वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी एज ही बिगेन टू प्ले जैसे ही उसने बाँसुरी बजाना जैसे ही वो बाँसुरी बजाना चालू करते थे आई वुड स्ट्रगल आउट ऑफ बेड तब मैं बहुत मुश्किल से जो है अपने बेड से बाहर आती थी डू द नीटफुल इन द बाथरूम बाथरूम में नीडफुल नीडफुल का मतलब क्या होता है जो भी ज़रूरत की चीज़ें जैसे आप वॉशरूम जाते हो तो आप क्या क्या करते हो आप ब्रश करते हो आप पॉट यूज़ करते हो उसके अलावा आप अपनी थोड़ी कोम वगैरह करते हो तो ये सारी जो नेसेसरी चीज़ें थी वो बाथरूम में अपनी निपटाती थी एंड जॉइन देम इन द बैल्कनी और उसके बाद मैं उन लोगों के साथ बैल्कनी में आ जाती थी वेर आई वॉश द ईस्टर्न स्काई चेंज टू अ पोली रोजी पिंक विद द सन ready रेडी टू राइज बिहाइंड टॉल राजा Bai Clock टावर ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी अब वो यहाँ बता रही हैं कि फिर जब मैं बैल्कनी में आ जाती थी तो फिर मैं स्काई को देखती थी वो जिस ईस्टर्न स्काई थी जहाँ पे ना सुबह छः बजे पिंक पिंक सर स्काई होता है रोजी मतलब पोली पिंक एकदम वाइट या एकदम पिंक कलर का और वहाँ पे सन जो है सूरज उगने वाला था और वो कहाँ से दिखता था बहुत बड़ा जो एक राजा बाई क्लॉक टार था बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत बड़ा राजा बाई क्लॉक टार है उसके पीछे से ऐसा लगता था सन उसके पीछे से ऊपर आ रहा है एज आई beloved माई the प्लान द begin वुड बेगिन देअ्रेडफुल और जैसे ही मैं अपने बिलोव का मतलब क्या होता है अपनी जो है बहुत ज़्यादा प्यारे तो यहाँ पे बिलोवड का मतलब है परम प्रिय वेरी मच लव तो मुझे मेरे प्लांट्स बहुत प्यारे थे तो जैसे ही मैं अपने प्लांट्स को पानी देती थी और कौवे जो थे वहाँ के द crows वुड बिगिन their ड्रेडफुल cawing तो वहाँ के जो कौवे थे ना सुबह सुबह देखा है बहुत सारे कौवे आ जाते हैं पिजन्स आ जाते हैं स्पैरोज आ जाती हैं तो कौवे जो है अपनी ड्रेडफुल मतलब वो जो भयानक बहुत ही अनप्लेट काउ काव चालू कर देते थे एंड द पिजन्स एंड स्पैरोज दे आर इंससेंट कूंग एंड चोपिंग और जो पिजन्स होती थी मतलब जो कबूतर थे और जो स्पैरोज मतलब जो चिड़िया होती थी दे आर इंससेंट कूंग इंससेंट का मतलब क्या होता है कंटिन्यूसली तो वो ची 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 जो है उनकी चर्पिंग चलती ही रहती थी कूइंग चर्पिंग का मतलब क्या होता है जो वो आवाज़ निकालते हैं ना उसको हम कहते हैं चर्पिंग मतलब चहचहाहट तो एकदम जो मॉर्निंग में जो बर्ड्स का शो होता था ना वो होने लग जाता था आई लाइक द ग्रीन पैरेट्स विद ब्राइट रेड बीक्स दैट ओकेजनली केम टू पर्च ऑन द प्लांट्स और ऑन द टेलीविजन एंटीना ऑन द नियर बाय टेरेसिस मुझे ना ग्रीन पैरेट्स बहुत अच्छे लगते थे वो जो ग्रीन पैलेट जिनकी रेड कलर की बीक होती है ना तो वो कभी कभी आते थे और कभी कभी आके जो है प्लांट्स पे बैठ जाते थे या पास में जो टेलीविजन का एंटीना होता है ना उस पे आके बैठ जाते थे या पास की छत पे आके बैठ जाते थे मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे मुझे उन्हीं को देखना अच्छा लगता था आई ऑलवेज वंडर्ड इफ़ द बर्ड्स इंजॉयड गोविंदास फ्लूट एज मच एज वी डिड अब वो यहाँ कह रही है कि मैं हमेशा सोचती थी कि ये जो बर्ड्स हैं ना क्या उनको भी गोविंदा की बांसुरी की आवाज़ उतनी ही अच्छी लगती है जितनी हमें लगती है वंस गोविंदा हैड फिनिश्ड प्लेइंग एक बार गोविंदा की बांसुरी उसने बजाई और बंद हो गई इट वॉज टाइम टू गेट ड्रेस्ड हैव ब्रेकफास्ट तो यहाँ पे वो बोलते थे जैसे ही गोविंदा ने दस मिनट बजाया मतलब उसकी बांसुरी ख़त्म हो गई इसका मतलब बस अपने काम में लग जाओ तो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो हैव ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट करो एंड गो डाउन टू वेट फॉर द स्कूल बस और फिर नीचे जाओ स्कूल बस का वेट करो हम भी यही करते हैं ममा एंड गोविंदा वुड स्टैंड इन द डोर वे मम्मा और गोविंदा दोनों जो हैं डोर वे मतलब क्या होता है द ओपनिंग वेयर डोर इज देर मतलब जहाँ डोर का जो मेन मतलब ओपनिंग uh, होता है वहाँ पर वो लोग खड़े हो जाते थे वाइल वी वेटेड फॉर द लिफ्ट टेक डाउन और हम लोग जो है लिफ्ट का वेट करते थे और वो हमको नीचे ले कर जाती थी डार्लिंग ओल्ड गोविंदा सो लवेबल सो जेंटल एंड काइंड अब वो यहाँ बता रहे हैं जो हमारे गोविंदा थे ना वो इतने लवेबल थे लवेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करने योग्य, बहुत प्यारे थे बहुत ज़्यादा जेंटल थे जेंटल मतलब काइंड थे एंड सच अ वंडरफुल स्टोरी टेलर और वो एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे स्टोरी टेलर क्या होता है जो आपको कहानियाँ बताता है तो वो बहुत अच्छी कहानियाँ बताते थे इन दोज डेज निषाद थॉट ही वाज़ आर पाइट पाइपर निषाद को उस वक्त लगता था कि वो हमारा पाइट पाइपर था पाइट पाइपर आपको पता है स्टोरी सुनिए जो जब अपनी फ्लूट बजाते थे या जब वो स्टोरीज बताते सारे बच्चे उनके साथ चले जाते थे एंड दैट ही वाज़ द बेस्ट फ्लॉटेस्ट इन द वर्ल्ड निषाद को लगता था वो हमारे पाइट हैं और वो दुनिया के सबसे अमेजिंग फ्लॉटेस्ट हैं फ्लोटिस्ट का मतलब क्या होता है बांसुरी बजाने वाला फ्लोटिस्ट का मतलब क्या होता है जो बांसुरी बजाता है उसको हम फ्लोटिस्ट कहते हैं जैसे जो गिटार बजाता है उसे हम क्या कहते हैं गिटारिस्ट कहते हैं राइट अब सो गोविंदा यूज्ड टू टेल अस दैट ही हैड लर्नड टू प्ले द फ्लूट व्हेन ही वाज जस्ट अ लिटिल बॉय सो गोविंदा हमें बताते थे कि उन्होंने बांसुरी बजाना कब सीखा जब वो बहुत छोटे थे एक छोटे से बच्चे थे ग्रोइंग अप इन द स्मॉल विलेज इन द कोंकण साउथ ऑफ बॉम्बे और वो कहाँ बड़े हुए थे कोंकण में जो कि बॉम्बे के साउथ का एरिया है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और ये कहाँ है इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे है तो अगर ये इंडिया का मैप है तो यहाँ जो वेस्ट कोस्ट पे है तो मुंबई के पास में ही कोंकण है वहाँ पे वो बड़े हुए थे गोविंद लेफ्ट हेज लिटिल होम मैनी जॉब गोविंदा ने जो अपना घर है बहुत पहले छोड़ दिया था कई साल पहले छोड़ दिया था जॉब ढूंढने के लिए मतलब नौकरी की तलाश में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था जो लोग गांव से शहर आते हैं ना बस उन्होंने वही किया था ही हैड फाउंड वर्क विथ मम्मा पेरेंट्स आबा एंड जी और गोविंदा को किसने काम पे रखा मम्मा के पेरेंट्स ने रखा मतलब नाना नानी ने रखा आबा और जी हेल्पिंग विद द हाउस होल्ड टास्क और वो घर के छोटे मोटे काम जो होते थे उसमें मदद किया करते थे ममा टोल्ड अज दैट शी एंड हर टू ब्रदर्स हैड बीन यंग चिल्ड्रन, यू नो हैड बीन यंग चिल्ड्रन देन हैड इन्जॉयड हिज मार्वलस स्टोरीज एज मच एज वी डिड और मम्मा हमें बताती थी वो उनके दो भाई थे तो बचपन में वो लोग भी गोविंदा की जो स्टोरीज थी उनको उतना ही इंजॉय करते थे जितना अभी हमें अच्छी लगती है वो स्टोरीज गोविंदा केम टू वर्क विथ मम्मा एंड पापा आफ्टर द गॉट मदर्ड एंड सेटल्ड इन द चर्च गेट सो यहाँ पे अब वो क्या बता रहे हैं कि गोविंदा जो है वो मम्मा और पापा के साथ जो है जब मम्मी मम्मा पापा की शादी हुई ना तो गोविंदा को उनके साथ भेज दिया मम्मा की हेल्प करने के लिए जब वो चर्च गेट वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए मम्मा पापा तो गोविंदा उनके साथ ही आ गए थे अब यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट थ्री फोर पेजेस खत्म कर लिए हैं पहले मुझे आपसे एक बात जाननी है ठीक है सबसे पहले तो मुझे ये बताओ मज़ा आ रहा है स्टोरी सुन के मज़ा आ रहा है ताकि मैं आगे बढ़ूँ जल्दी बताओ मुझे कमौन कमोन टेल मी। हेलो, यस मैम ओके थैंक यू सो मच सो शेल आई कंटिन्यू हे अनुष्का सो शेल आई कंटिन्यू एवरी वन ओके अच्छा पक्का नहीं कंटिन्यू करूँ करूँ राइट ओके सो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं हम एक स्टोरी रीड कर रहे हैं गाइज रिमेंबर दिस थिंग आपको रीडिंग की हैबिट अभी नहीं है यू आर सपोज टू लर्न दिस हैबिट और ये हैबिट तब आएगी जब आप स्टोरीज़ पढ़ोगे मैं आज आपके साथ क्यों पढ़ रही हूँ मैं आपको बोल सकती थी कि आप ये वाली नॉवल पढ़ लो या आप ये नॉवल पढ़ लो लेकिन क्या होता है जैसे ही हम नावल पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमें आती है नींद या हमें लगता है कि यार हम बार बार डिक्शनरी में मीनिंग्स नहीं देखना चाहते हम बोर हो जाते हैं इसीलिए लिए यहाँ पर हर डिफ़िकल्ट वर्ड का मैं मीनिंग आपको बता रही हूँ और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप इसे पढ़ो आपको जैसे ही हर नॉवल ना इनिशियली ऐसा लगता है कि अरे यार, यार ये क्या बता दें फिर वो एक पेस पकड़ती है मतलब जैसे आप मूवी देखते हो मूवी में भी क्या होता है पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है फिर जो है एक्शन स्टार्ट होता है फिर एक्शन का पीक जाता है फिर एक्शन जो है पूरा रिजोल्व होता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है तो यही बुक के साथ भी होता है इसको फ्लेट पिरामिड कहते हैं वो मैं आपको कभी और बताऊँगी तो अभी जो है ना आपको इस बुक को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान से सुनना पड़ेगा इमेजिन करो अपना थिंकिंग कैप ऑन करो और जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसको विजुअलाइज़ करने की कोशिश करो विजुअलाइज का मतलब क्या होता है उसको इमेजिन करने की कोशिश करो जब आप करोगे तभी आपको बुक के साथ कनेक्ट होगा अभी हम एक बच्ची के बारे में बात करें वो सिर्फ सारे कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर रही है कि उनके ममा कैसी हैं या उनके गोविंदा कौन है वो फ्लूट कैसे बजाते हैं उनका डेली रूटीन क्या है अभी आगे जाके ये लोग डिटेक्टिव बनने वाले हैं आगे जाके इनकी लाइफ में एक स्ट्रेंज मैन आने वाला है और वो स्ट्रेंज मिस्टी ियस मैन कौन है वो क्या करता है तो ये सब अभी हम देखने वाले हैं इस स्टोरी में तो अब मुझे बताओ चलिए थैंक इन मेडिकल कॉलेज मेरे जो पेरेंट्स थे उनको वो लोग कब मिले थे आपस में मतलब मम्मा पापा कहाँ मिले थे जब वो लोग का मतलब होता है वाइल्ड जब वो लोग कॉलेज में थे ना तब मिले थे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया फिर जब वो लोग डॉक्टर बन गए उसके बाद उन्होंने शादी कर ली वी वारेपी फैमिली दैट सैड डे वेन पापा डाइड सडनली ऑफ अ ट्यूमर इन द ब्रेन हम लोग बहुत हैप्पी फैमिली थे तब तक जब तक अचानक से हमारे फादर की डेथ हो गई ब्रेन ट्यूमर की वजह से वेन आई ऑलमोस्ट वेन आई वॉज ऑलमोस्ट सिक्स तब मैं सिर्फ सिक्स इयर्स की थी और मेरे पापा की जो है ब्रेन ट्यूमर में डेथ हो गई ऑफुल का मतलब क्या होता है ऑफुल का मतलब होता है भयानक बहुत ही पेनफुल सी कोई चीज़ वी मिस हिम सो हम उन्हें बहुत मिस करते हैं मम्मा ऑलवेज सेज डेट गोविंदा वॉज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दोज टेरेबल डेज मम्मा बहुत बार बताती हैं कि गोविंदा जो थे ना वो उस वक्त जो है उनके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे हमने बहुत सारी मूवीज़ में सुना है सीरीज में सुना है वॉज माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ पिलर का मतलब होता है खम्बा स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत जब आप किसी को बोलो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ तो इसका मतलब क्या होता है पिलर ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब होता है समवन जो आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है जो आपकी जो है मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है जो आप आप जो है जहाँ सैडनेस फील करते हो वो आपको उठाने के लिए तैयार है सो so, वो बता रही हैं कि गोविंदा ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद करी थी एंड देन एंड शी कुड नेवर इमेजिन व्हाट वी वुड हैव डन विदाउट हिम और वो ये भी बोलती हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि अगर गोविंदा नहीं होते तो वो अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाती कि वो कैसे बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करती दो छोटे बच्चे अभी यहाँ पे बता दिए माया बता दिए है कि वो छः साल की थी इसका मतलब निषाद कितने साल का होगा ओनली थ्री इयर्स तो थ्री इयर्स और सिक्स इयर्स उनके पापा की डेथ हो गई तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर देम वी लव गोविंदा काइंडली फेस अब वो यहाँ पे गोविंदा के बारे में बता रहे हैं हमें ना गोविंदा का एकदम मासूम सा चेहरा एकदम काइंड मतलब दयालु सा चेहरा बहुत अच्छा लगता था रिंकल्ड अब वो इतने बूढ़े थे तो उनके फेस पे क्या थे पूरे रिंकल्स आ गए थे मतलब झुजियाँ आ गई थी एंड लाइंड विद डीप फरोज अब जैसे आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनकी स्किन अंदर की तरफ धसती जाती है तो उसको हम फरोज कहते हैं एंड ऑल द डार्क स्किन थिन एंड वो डार्क स्किन थे मतलब उनकी जो त्वचा का जो कलर था वो डार्क था वो छोटे से थे पतले से थे ही कैरीड हिमसेल्फ विद अ क्वाइट डिग्निटी वो अपने आप को एकदम एक, एक अभिमान के साथ लेके चलते थे डिग्निटी मतलब जहाँ पे आप उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़े उनको देख के ऐसा लगता था कि उनकी रेस्पेक्ट करी जानी चाहिए एंड देन जो गोविंदा थे ना उनके पूरे ऑलमोस्ट जो थे वो आधे गंजे थे एक बॉल्ड हेड था विदिन लाइन ऑफ ग्रे एंड सर्कलिंग एट और छोटे थोड़े थोड़े बाल थे जो ऐसे ना एक हालो जैसे बनाते हैं, जैसे भगवान जो होते हैं एंजल के ऊपर अपन एक सर्कल बनाते हैं वैसे दिखते थे उनके बाल एंड वाइट बुशी आईब्रोज और व्हाइट कलर की क्योंकि वो बहुत बुरे थे तो व्हाइट कलर की एकदम थिक एकदम बहुत घनी आईब्रोज थी उनकी विथ समा लॉन्ग हेयर ड्रूपिंग लाइक टेंड्रिल्स और कुछ जो लंबे बाल थे ना इसके जो आईब्रोज में आपने देखा होगा कुछ लोगों के आईब्रो के बाल बहुत थिक होते हैं तो वो ऐसे आँखों के ऊपर आ जाते हैं सो ड्रूपिंग लाइक टेंड्रिल्स टेंड्रिल्स मतलब किस तरीके से वो यहाँ बता रहे हैं टेंड्रिल्स मतलब जैसे कि टहनी बेल होती है ना तो बेल की छोटी छोटी जो पार्ट होता है वो ऐसे कैसे लटकता रहता है उसी तरीके से वो यहाँ पे टेंड्रिल्स को बता रहे हैं अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कंपनसेटेड अब उनकी जो आंखें थी वो डार्क थी लेकिन चमकती हुई आंखें थी ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइनिंग आइस जैसे जिसकी आंखों में जिसकी सोल में बहुत ताकत होती है जिसकी सोल में बहुत सच्चाई होती है ना उसकी आंखों में देखना चमक होती है कॉम्पनसेटेड फॉर द लैक ऑफ हेयर ऑन हिज हेड और ये सब जो था उनके सर पर जो बाल नहीं थे उन सबको कॉम्पनसेट कर देती थी डियर गोविंदा वॉज नेवर क्वाइट श्योर ऑफ हिज एज अब हम जब भी जो गोविंदा जो थे उनको उनकी एज नहीं पता थी बड़े लोग होते ना उनसे पूछना हमारे एज आ, सोचने लग जाते हैं वो जैसे अपन को अपना ऐसे याद रहता है तो वो उनको उनकी एज याद नहीं थी वेन वी आस्ट हेम

ही वुड से दैट द एक्चुअल एज वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट अब वो तब क्या कहा करते थे कि सुनो एक्चुअल एज कि आप पैंसठ के हो या पचहत्तर के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इट वॉज ओनली द कंडीशन ऑफ द माइंड इन द बॉडी दैट मैटर्ड आपका दिमाग कितना मेच्योर है और आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है सिर्फ वही मैटर करता है एज इज जस्ट अ नंबर बी दैट एज इट मे लेट मी गेट बैक टू माई स्टोरी अब फाइनली जो हमारी नरेटर है वो कह रही है चलिए मैंने आपको सब कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया अब हम वापस आते हैं हमारी स्टोरी पे निषाद लव गोविंदाज फ्लूट देर वॉज नथिंग टू डिस्प्यूट द फैक्ट निषाद को गोविंदा की जो बांसुरी थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी बहुत ही अच्छी लगती थी और इस बात में कोई दो राय नहीं है डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है विवाद इस बात में कहीं कोई विवाद नहीं है कि उनको जो है निषाद को गोविंदा की बांसुरी बहुत पसंद थी He was simply enchanted by that old bamboo reed. अब वो यहाँ कह रही हैं कि उसको ना वो जो पुरानी सी बांसुरी थी रीड मतलब एक तरीके से जो एक पेड़ होता है जिससे जो है आप ये आ, चीज़ें बनाते हो तो बोलते हैं वो इंचांटेड था इंचानटेड का मतलब क्या होता है ऐसा लगता था उस पर किसी ने जादू कर दिया है उसको इतनी पसंद थी ये बांसुरी। अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं मे आई प्ले योर फ्लूट गोविंदा तो अब ये जो निषाद है ना वो अक्सर गोविंदा से पूछता था मैं आपकी बाँसुरी बजा लूँ ही वुड ऑफन प्लीड वो रिक्वेस्ट करता था मैं आपकी बाँसुरी बजा लूँ नो नो माई लिटल वन तो गोविंदा क्या कहता था नहीं नहीं प्यारे बच्चे नहीं द ओल्ड मैन वुड शेक हिस्स तो वो मना कर देते थे नहीं नहीं योर मदर विल टेल यू इट्स नॉट हाइजीनिक शी इज अ डॉक्टर एंड शी नो सो यू कैन नॉट आर्ग यू तुम्हारी मम्मा कहेगी कि ये हाइजीनिक नहीं है हाइजीनिक मतलब ये स्वच्छ नहीं क्योंकि मैं अपने मुंह से बजा रहा हूँ फिर मेरे मुंह से निकाल के तुम अपने मुंह में रखोगे तो वो बोलेंगी ये बिल्कुल सही नहीं है और तुम्हारी मम्मा डॉक्टर है हम उनसे बहस कर नहीं सकते लेट्स वॉश इट विथ सोप एंड हॉट वाटर निषाद वुड सजेस्ट तो निषाद कहता था ठीक है आपकी जो बाँसुरी ने इसको हम साबुन से अच्छे से गर्म पानी से धो लेते हैं उसके बाद मैं यूज कर लूंगा आई डोंट थिंक वी कैन तो गोविंदा ने कहा नहीं मुझे नहीं लगता हम ये कर सकते हैं गोविंदा वुड साय एंड सी तो वो एक आहें भरते हुए साय मतलब ऐसी आवाज़ निकालते हुए कहते थे माई पुअर फ्लूट इज ओल्ड लाइक मी मेरी जो बेचारी ये बाँसुरी है वो मेरी तरह बहुत बूढ़ी हो चुकी है आई एम श्योर इट विल क्रैक विथ वॉशिंग मुझे लगता है कि जैसे ही मुझे पक्का यकीन है कि अगर हमने इसे धोया ना तो ये टूट जाएगी वन फाइन डे वन आई वॉज इन अनरस मूड अब माया बता रही है कि एक दिन जब मैं एक बहुत ही दयालु मूड में थी जेनरस मतलब जब मेरे को सब पे बड़ा आ रहा है ये भी ले लो वो भी ले लो हाँ मेरा सामान ये भी ले लो तो जब वो एक बहुत ही ज़्यादा जेनरस मूड में थी उदार मूड में थी आई डिसाइडेड टू बाई निशाद हेज़ वेरी ओन फ्लूट मैंने डिसाइड किया कि मैं निशाद को उसके लिए एक फ्लूट ला के दूँगी मतलब उसके लिए एक बाँसुरी खरीद के दूंगी. One weekend, soon thereafter, उसके तुरंत बाद जो अगला वीकेंड आया मतलब सैटरडे संडे जब आया आई वेंट विदी माई ग्रैंड मदर टू द्राउडेड भुलेश्वर बाजार वेर शी वॉन्टेड टू बाय सम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स तो मैं अपनी जी जी मतलब अपनी नानी के साथ भुलेश्वर बाजार गई जहाँ उनको कुछ एम्ब्रॉयडरी के लिए धागे खरीदनी थी ओह दैट वंडरफुलफ्यूशन ऑफ कलर्स अब वो यहाँ क्या बोल रही है कि वहाँ पे जब आप गए तो वो धागे कितने सारे कलर्स के होते हैं तो प्रोफ्यूशन का मतलब क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग इतने सारे कलर्स थे वहाँ पे एंड स्मेल तो जैसे वो बाजार गए तो हर चीज क्या होती है कलरफुल लगती है धागे के कलर्स कपड़ों के कलर्स मिठाइयों के कलर्स तो वहाँ इतने सारे कलर्स थे और इतनी खुशबू आ रही थी वर हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स सेलिंग बैंगल्स एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी इतनी सारी शॉप थी जो चूड़ियाँ बेच रही थी और ये जो इयर रिंग्स और सब मिलता है वो सब बेच रही थी शाइनिंग ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बर्तनों की दुकान थे वहाँ पे क्लोथ्स एंड साड़ीज के दुकान थे फ्लावर्स एंड गार्डन मतलब फूल और मालाएं की दुकान थी वहां पे और हर तरीके के खिलौने मिल रहे थे माई नोज ट्विचड अब मेरी नोज जो थी अचानक से ऐसे ट्विच हुई ट्विच मतलब क्या होता है जैसे आपको कोई खुशबू आती है तो आप क्या करते हो ऐसे करते हो ना इसको कहते हैं ट्विच करना माय नोस ट्विच्ड क्यों हुई उसकी नोस ट्विच एट द पंजेंट ओडर ऑफ ऑल यहाँ पे ऑफ फिटर्स एंड समोसा फ्लाइंग एट रोड साइड स्टॉल्स तो वहां से एक पंजेंट मतलब बहुत तीखी सी स्मेल आ रही थी क्यों क्योंकि वहां पे अब यहाँ फिटर्स का मतलब क्या होता है फिटर्स का मतलब होता है पकौड़े ये नया वर्ड पता चला आपको फ्रिटर्स का मतलब होता है पकौड़े तो वहाँ पे कोई पकौड़े और समोसे तल रहा था भूख लग गई मुझे तो वहाँ कोई पकौड़े और समोसे तल रहा था और उन पकौड़े और समोसे की जो है बड़ी जोर से खुशबू आ रही थी ठीक है पंजेंट का मतलब एक तीखी सी खुशबू आ रही थी वहाँ पे एंड सैडली सच लेकिन सैडली ऐसी जो अच्छी अच्छी टेस्ट वाली जो चीज़ें हुआ करती थी ये हमारे लिए थी ही नहीं क्यों क्योंकि उसमें बहुत सारे क्योंकि मम्मा थी वो क्या बताती थी अरे मक्खियां बनाती हैं गंदा तेल यूज करते हैं ढाक के भी नहीं रखते हैं तुम्हें नहीं खाना है तो वो एक टैबू था मतलब सोचना भी पाप था हमारे लिए वो सब आई रिमेंबर वॉचिंग द क्राउड दैट डे एंड लिसनिंग टू द हॉकिंग का तो मुझे याद है उस दिन वहाँ बहुत भीड़ थी और जो कार्स थी वो ना हॉन्ग कर रही थी मतलब आवाज जैसे ट्रैफिक होता है ना तो वो आवाज दे रही थी एज देयर ड्राइवर्स फॉर their वे थ्रू हैंड कार्ड एंड पेडिस्ट जो स्लिंग ईच अदर अब यहाँ पे हॉगकिंग का मतलब क्या होता है आवाज लगाना अब ये देखो एक सेंटेंस में कितने प्यारे वर्ड्स यूज किए गए हैं वो बोल रही है कि जो हॉन्गकिंग कार्स थे और जो उनके ड्राइवर्स थे

तो वो यही कह रही है अब जॉसलिंग का मतलब क्या होता है धक्का देना मतलब लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आगे बढ़ रहे थे We were inside one of the shops buying Gigi's threads. तो हम जो है एक शॉप के अंदर थे और वहाँ पे हम मेरी नानी के लिए जो एम्ब्रॉयडरी के उन्हें धागे चाहिए थे वो खरीद रहे थे When I suddenly spotted a blind flute, okay, so यहाँ पे आ, यहाँ आ जाते ओके फ्लूट फ्लूट सेलर तो मैंने तभी क्या देखा एक ब्लाइंड मतलब होता है अंधा एक अंधा फ्लूट सेलर मतलब जो बांसुरी बेचने वाला था सीटेड ऑन द पेवमेंट कैन यू सी हिम तो यहाँ पे वो ऐसे रोड के किनारे बैठा हुआ था अक्रॉस द रोड विद इन्यूमरेबल फ्लूट्स और उसके पास बहुत सारी इन्यूमरेबल मतलब होता है बहुत सारी फ्लूट्स थी उटर हिम ऑन लार्ज रेड क्लोथ एक बड़ा सा लाल कलर का कपड़ा था उसके ऊपर अब, अब जैसे जी जी ने वहां पे पूरा सामान खरीद लिया उनके धागे वगैरह खरीद लिए तो मैं उनको खींचते हुए बाहर लेके आई हाउ आई विश गोविंद दिन विद हेल्प मी सिलेक्ट मैं उस वक्त सोच रही थी काश गोविंदा हमारे साथ होते तो क्या होता वो हमें बता पाते कौन सी फ्लूट अच्छी है क्योंकि मुझे तो कोई नॉलेज था ही नहीं चूजिंग द राइट फ्लूट इज इन द ईज टास्क इन द वर्ल्ड अब एक सही फ्लूट को सिलेक्ट करना एक सही बांसुरी को सेलेक्ट करना ये दुनिया का कोई आसान काम तो है नहीं स्पेशली वेन यू डोंट नो अ थिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट और वो भी तब जब आपको ये जो बांसुरी है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता I told the flute seller that I wanted a flute for my सेवन year old brother. तो मैंने उस बांसुरी बेचने वाले को कहा कि मुझे मेरे सात साल के भाई के लिए एक बांसुरी चाहिए He picked out one which he said was first-class best for the young boy. तो उन्होंने एक निकाली और क्या कहा ये जो है एक छोटे बच्चे के लिए एकदम फर्स्ट क्लास बेस्ट है मतलब आप तो ये लेके ही जाओ आई डेंट हैिलाई ऑन हिज जजमेंट अब रिलाई मतलब उन्होंने जो कहा मुझे उस पर ही भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो पता नहीं था तो मैंने क्या किया अब जो उसने कहा मैंने बोला चलिए ठीक है बट आई चेक टू मेक श्योर डेट द फ्लूट वॉज नॉट क्रैक्ड लेकिन फिर भी मैंने बांसुरी को अच्छे से पूरा उल्टा पुलटा करके देखा कि कहीं से टूटी हुई तो नहीं है कहीं से क्रैक तो नहीं है आफ्टर आई हैड पार्टेड विथ फाइव रुपीज अब वो देखो इसने कितने ब्यूटीफुली बताया जैसे ही मैं मेरे पास जो पाँच रुपये थे तो पाँच रुपये की वो फ्लूट आई जैसे ही मैं उस पाँच रुपये से अलग हो गई मतलब उन्होंने पाँच रुपये पे कर दिए पार्ट विथ मतलब होता है कि जो है ना टू गिव अवे साथ में हिस्सा दे देना ठीक है so, सो जब मैं हो गई अपने प्रेशियस सेविंग्स तो मेरी जो बहुमूल्य जो मेरी सेविंग्स थी इतनी मुश्किल से जो मैंने पैसे बचाए थे उसमें से पूरे पाँच रुपये जब मैंने उनको दे दिए द वेंडर लविंगली पैक द फ्लूट इन अ शीट ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर तो वो जो वेंडर था मतलब वो जो बेचने वाला था सेलर था उसने बहुत प्यार से उस फ्लूट को एक न्यूज़ पेपर में कवर किया एंड टाइड इट विद अ ग्रीन स्ट्रिंग और उसको एक ग्रीन कलर के धागे से बांध दिया वन जी जी ड्रॉप्ड मी होम तो अब जी जी जो है जब उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया आई into the study द स्टडी was building बिल्डिंग spaceship. I आई मतलब मैं भागते हुई स्टडी रूम में गई जहाँ पे Nishad जो था वो एक spaceship बना रहा था spaceship क्या होता है स्पेस में travel करने वाला एक व्हीकल होता है With हिज लेगो सेट तो उसका जो लेगो का सेट था उससे वो एक spaceship बना रहा था और मैंने उस वो जो पैकेज था वो जो पार्सल था मेरे हाथ में वो मैंने उसके lap पे रख दिया lap क्या होता है lap मतलब होता है उसकी गोद में रख दिया वॉट इज इट ही आज सस्पीशियसली ट्राइंग टू फील द शेप ऑफ दार्सल उसने पूछा ये क्या है सस्पीशियसली मतलब उसने डाउट के साथ पूछा अब देखो भाई बहन का तो रिश्ता आपको पता है वो दोनों एक दूसरे के लिए इतना प्यार कभी दिखाते नहीं है लड़ते ही रहते हैं तो अब यहाँ पे बहन ने कुछ पैक दिया है तो सबसे पहले क्या था शक आता है ये क्या दिया इसने मुझे तो उसने बहुत डाउटफुली जो है उसको देखा और उसको महसूस करने की कोशिश करा था कि इसमें है क्या इट्स एन ओली गिफ्ट for your birthday i announced तो मैंने कहा भैया ये तुम्हारे बर्थडे के लिए मैंने गिफ्ट लेके आया है ठीक है अब यहाँ पे now don't you ask me for another birthday present seven अब भैया मैंने उसको बजा सेवन सोच लेना एक और गिफ्ट मुझसे बिल्कुल मत मांगना i suppose i should explain that nickname अब उसके बाद क्या कहा उसने निषाद नहीं कहा उसे सेवन कहा तो अब हमारी नरेटर बोल रही है अरे मेरा मैंने जो अपने भाई के लिए निकनेम रखा है जो सेवन नाम रखा है उसका मतलब तो आप समझ लो इसको क्या है इट वॉज माई स्पेशल नेम फॉर निशाद निषाद को मैं सेवन कहती थी क्यों कहती थी बिकॉज हिज नेम रियली डज मीन द सेवन नोट ऑफ द इंडियन म्यूजिकल स्केल क्योंकि उसके नाम निशाद क्या होता है सारे सा, सा, जो होता है ना सारे धामा सारे सारे गामा पद नीसा। इट इट्स ओके तो ये जो नी होता है ना इसका फुल फॉर्म होता है निशाद ये जो है इंडियन म्यूजिक का सातवा निशाद की जगह सेवन बुलाती थी निषाद टोर ऑफ द रैपिंग अब निषाद ने जो है उसकी रैपिंग को फाड़ा एंड पुल्ड आउट द फ्ल्यूट निशाद ने उसकी रैपिंग को फाड़ा टोर ऑफ का मतलब क्या होता है फाड़ दिया एंड पुल्ड आउट द फ्लूट और अंदर से क्या निकली अंदर से निकली बांसुरी हिज आईज वर ग्लीमिंग एज ही लेट आउट अ लाउड हूप अब उसकी जो आंखें थी ना वो चमचमा रही थी जैसे ही उसने बोला वाओ मुझे एक फ्लूट मिल गई हिज ही एक्चुअली गव मी अ स्पैकिंग बिग किस उसने मुझे गले से लगा लिया उसने मुझे एक बड़ी सी किस दी एंड

यहाँ पे उसने उसको अच्छे से झांका ठीक है कि इसमें सात होल्स हैं या नहीं हैं और उसका जो कोनिकल आपने कोई फ्लूट देखा है फ्लूट का एक जो हिस्सा होता है जहाँ से बजाते हो वो कैसा होता है चपटा होता है उसको हम कोनिकल टेपरिंग कहते हैं टेपरिंग मतलब लंबा और पतला तो उस हिस्से को उसने बजा के देखा जैसे ही उसने उसको बजाया देर वॉज अ श्विल साउंड एकदम से जोर से आवाज़ आई लाइक अ ट्रेन विसल एक जैसे ट्रेन होती है ना उसकी सीटी की तरह एक जोर से आवाज़ आई फॉलोड बाय एन इवन लाउडर श्रीक उसके बाद और जोर से चिल्लाने की आवाज आई जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा है एक्साइटमेंट में और जैसे वो हुआ इतना खुश हो गया भाग के कहा गया वो किचन में गया अब मैं आगे की स्टोरी को यहाँ पे करती हूँ स्टॉप ठीक है क्योंकि मैंने क्या कहा था हम डिस्कस करेंगे कि आप मुझे बताओ आज हमारा फर्स्ट डे है इस रीडिंग क्लब का तो आते हैं हम वापस बात करने के लिए तो आप मुझे यह बताओ कि स्वाति मैम व्हेन वी हैव टू डू एक्टिव एक्टिव वॉइस 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 में पैसे अरे voice, voice, अभी रुक जाओ नो एक्टिव वॉइस नो पैसिव वॉइस ये सारे क्वेश्चन जो है आपने मुझसे बाद में करना उसके लिए अपन लास्ट के फाइव मिनट्स डिस्कस करेंगे ठीक है लेकिन पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है मैंने बताया था इनिशियल जो स्टोरी होती है ना वो थोड़ी सी स्लो चलती है जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को उनके घर को गोविंदा को डिस्क्राइब किया जा रहा था लेकिन अब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है सो so, क्या आपको नए वर्ड्स लर्न करने में इजी हो रहा है आप यहाँ पे देखो कितने सारे वर्ड्स हैं एक एक पेज में कितने सारे वर्ड्स हैं और सबका मैंने मीनिंग हिंदी में भी दिया है सो so, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है कोई पकौड़े लिख रहा है प्लीज़ मत लिखो यार भूख लग रही है प्लीज़ डोंट राइट दैट ओके, वेरी नाइस एंड वंडरफुल सेज मैम ओके द आर्ट बॉक्स तानसी तानसी इज योर नेम ओके हाय हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन, व्हेन डू यू स्टार्ट व्हेन विल यू स्टार्ट हैरी पॉटर हैरी पॉटर मैं तब स्टार्ट करूँगी जब आप जो हो इस बुक को मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ोगे अब ये जो मैंने बुक पढ़ाई है अब आप क्या करने वाले हो क्या करोगे वो मैं आपको बताती हूँ अब आप जो हो जितने भी मैंने ये जो पेजेस पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी क्योंकि मुझे इसका डाउनलोडेड वर्जन नहीं मिल रहा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जहां आप इस बुक को ऑनलाइन रीड कर सकते हो आप उस बुक को ओपन करोगे तो क्या होगा आपको इतना पेन नहीं होगा जैसा आपने बोला ना मुझे हमें थोड़ी ब्लर दिख रही है वैसा नहीं होगा और इसका भी मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ तो आप उस लिंक में जाओगे एंड यू हैव टू रीड ऑल द पेजेस जो हमने रीड किए हैं समझ में आया ये सारे पेजेस सिर्फ छः सात पेजेस हमने रीड किए हैं हमारा चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ ये सारे पेजेस आपको रीड करना है समझ में आया या नहीं आया थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आया या नहीं आया ओके द आर्ट बॉक्स तुम्हारा नाम क्या है कभी तुम कुछ लिखते हो कभी चारवी लिखते हो मुझे क्या बताओ तुम्हारा नाम क्या है ओके okay. सो so, द थिंग इज कैन यू प्लीज 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 तुम चाहते हो कि रीडिंग क्लब कंटिन्यू हो या नहीं हो डू यू वॉन्ट द रीडिंग क्लब टू कंटिन्यू इफ यूट द रीडिंग क्लब टू कंटिन्यू सेंड मी अट कम क्विकली सेंड मी अट इफ यू वॉन्ट द रीडिंग क्लब टू कंटिन्यू सेंड मी अ हार्ट ओके आई स्टार्टेड गेटिंग हार्ट अच्छा देखो जो लोग बोल रहे हैं ना राइट आर सेट्स ओके से यू आर फ्री टू लीव आपको नहीं पढ़ना इट्स ओके okay. ये रीडिंग कंपनी ये जो रीडिंग क्लब मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो वाकई अपनी इंग्लिश को एकदम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं आप लोग से जब लोग पूछते हैं आपको बुक्स के बारे में पता है आप बोलते हो नहीं पता क्योंकि आप रीड नहीं करते लेकिन जब आप हम रीड करने लग जाएंगे एक बार जब हमारी स्पीड आ जाएगी आज डे वन था अभी तो इस स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे बहुत सारे टर्न आएंगे निषाद और माया की लड़ाई होने वाली है उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत नए नए ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे तो वो सब अभी हमें पढ़ना है बहुत मज़ा आएगा स्टोरी में ट्रस्ट मी ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है और मैंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टोरी ली नहीं है अगर मैं हैरी पॉटर लूँगी ना तो आपको इनिशियली वो टफ लगेगी क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे सुनाना है तो वो तो आप ऑडियो बुक भी ले सकते हो मज़ा नहीं आएगा उसमें पहले हम उस लायक तो हो जाए कि हम जो है बुक्स खुद से रीड कर पाए उसके बाद हैरी पॉटर भी पढ़ेंगे उसके बाद आप जो बुक बोलोगे पढ़ेंगे लेकिन पहले स्टार्ट तो करें थैंक यू स्नेहा यू आर अमेजिंग नो भाई नंबर का कर क्या करोगे फोन पे नहीं पढ़ाऊंगी मैं ओके सो नाउ अब मुझे ये बताओ That are we going to meet in the next class? Thanks Amrita. Come on tell me, are we going to meet in the next class? जल्दी बताओ जिन लोगों को भी इंग्लिश सीखनी है जो चाहते हैं देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ मैं आपको रीडिंग के लिए क्यों बोल रही हूँ बार बार क्यों बोल रही हूँ जब आप इसको सुन रहे हो जब मैं रीड कर रही हूँ तब क्या हो रहा है हम यहाँ लाइव सेशन में हैं आप उस चीज़ को सुन रहे हो आप उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो आपके साथ ऑलमोस्ट लाइक like एक घंटा आपने रीड किया है सच्ची सच्ची मुझे एक बात बताना अगर मैं आपको कहती आपको रोज़ जो है हाफ एन आवर या वन आवर एक बुक रीड करनी है सच्ची सच्ची बताना एकदम धरती माता की कसम खा के कितने लोग पढ़ते कम ऑन टेल मी येस और नो एक घंटे अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई एक बुक पढ़ो तो आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे कम ऑन टेल मी पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे पढ़ोगे अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी अगर घर में मैंने आपको एक डिफिकल्ट सी बुक दे दी जहाँ पे आपको मीनिंग जो है डिक्शनरी में बार बार ढूंढने पड़ेंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा ना होगा या नहीं होगा पढ़ तो लोगे लेकिन बो, बोरिंग होगा या नहीं मालगुड़ी डेज इज अ वेरी नाइस बुक हम वो भी पढ़ सकते हैं बाद में ठीक है सो so, मैं आपको ये कह रही हूँ कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी विथ यू आपको जब इस बुक में मज़ा आएगा आप आगे बढ़ना चाहोगे आप ये सोच लो दैट मैं आपको वर्ड ऑफ द डे देती हूँ आपकी सुबह चालू हो गई मैं आपको रोज़ एक लेसन बता रही हूँ जहाँ पे आप सीखोगे ग्रामेटिकली कि आप कौन सी मिस्टेक करते हो नहीं करना है प्रोनाउंसिएशन टिप्स देती हूँ ताकि आप गलत बोलो नहीं राइट ताकि आप गलत बोलो नहीं और इसके बाद रीडिंग क्लब भी आ गया मतलब रीडिंग भी करा दी याद है आपको मैंने लॉन्च में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका स्पीकिंग लिसनिंग आपका रीडिंग सब कुछ मैं करा दूंगी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो दैट इज वॉट आई एम डूइंग हियर सो गर्स प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस दैट यू आर गोइंग टू लव दिस यू आर रियली गोइंग टू इंजॉय दिस ओके सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में अब कुछ भी आपको कहना है कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे जल्दी से बता दो मैम आपका कोर्स कहाँ मिलेगा नीलेश आनंद आस्किंग नीलेश आपको हमारा पूरा कोर्स जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा सो मैग्नेट ब्रिन्स की वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे ना तो आपको होम पेज बस आप डालो मैग्नेट ब्रिन्स डॉट कॉम होम पेज पे आपको स्पोकन इंग्लिश का टैब मिलेगा आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो मैं पढ़ा दूंगी मेरा एक ऐसा स्माइली वाला चेहरा आएगा आप वॉच नाउ पे क्लिक करना और उसके बाद जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस पढ़ाए हैं कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएंगे और आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो अब उसमें बकायदा लेसन वन लेसन टू लेसन थ्री लिखा है तो आपको पता है कि पहले आपको क्या पढ़ना है और उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो आपकी स्टोरी की प्रैक्टिस नए वर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी मैम वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम है इस सीज़न वाला कहीं

क्लास सेवेन इंग्लिश ग्रामर मैग्नेट ब्रेंस के उसमें अगर आप जाओगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे ट्रस्ट मी बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे तो जिसको भी एक्टिव पैसिव में किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ जाके वो देखना अगर उसके बाद डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो आप मुझे वहीं टैग करके पूछ लेना कि मैम ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है मैं आपको बता दूँगी ठीक है क्लास रोज होता है यस yes. जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है वर्ड ऑफ द डे रोज होता है वो आता है मॉर्निंग नाइन ओ क्लॉक फिर फाइव ओ क्लॉक जो भी एक शॉर्ट है जैसे आज मैंने एक शॉर्ट रिलीज किया है जिसमें आई एम सीइंग अ डॉक्टर आई विल सी अ डॉक्टर और आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर में क्या डिफरेंस है वो मैंने बताया है तो अगर आपने वो शॉर्ट देखा है ना तो आपको समझ में आएगा हमें कब क्या बोलना है तो ऐसे शॉर्ट्स फाइव ओ क्लॉक रिलीज होंगे और 8:30 को आपके जितने भी जो हम लोग मेन जो सेशंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे जहां कभी एक दिन लेसन होता है एक दिन रीडिंग कॉम्प्रीहशन होता है तो वो सब चालू हो जाएगा मैम इस सेशन का वर्ड मीनिंग इस सेशन का वर्ड मीनिंग तो मैं एक काम कर सकती हूँ ठीक है आई कैन डू वन थिंग मैं आपको ना इस सेशन में पूरे जो फर्स्ट पेज है ना उससे दिखा देती हूँ आपको सारे पेजेस आप ना स्क्रीन ले लो कैन वी डू दिस शेल वी डू दिस आप स्क्रीन शॉट ले लो तो आपको क्या होगा ये सारे डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग पता चल जाएंगे चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले ठीक है ये है अब मैं कहाँ खड़ी हूँ मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ ठीक है तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो तो जब आप री re रीड करोगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा क्योंकि आपको डिक्शनरी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है स्क्रीन शॉट ले लिया नेक्स्ट चलते हैं तो ये देखो ये सारे वर्ड्स हैं अरे भाई जाओ मत यही रहो ठीक है तो आप इसका स्क्रीन ले लो फटाफट बेटा वीडियो इसका ब्लर होगा ना इसका तो ब्लर नहीं होगा बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आप उस लिंक को ओपन करोगे आपको पूरी कहानी जो है क्लियर दिखेगी ठीक है सो आप इसका ले लिया आगे बढ़े तो अब है हमारे पास ये वर्ड्स ओके okay? तो अब आप इन वर्ड्स का ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी 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 ओके okay? आगे बढ़ते हैं अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट मैम आप और कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बेटा मैम इंग्लिश पढ़ाती हूँ लिटरेचर एंड लैंग्वेज और, और मैग ब्रेन्स में मैं सिर्फ यही दो यही दो टॉपिक्स पढ़ाती हूँ ठीक है सो so, अभी इसके बाद है हमारे पास ये सारे वर्ड्स जाने को किसने बोला है चलो स्क्रीनशॉट डन स्क्रीनशॉट डन 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 अरे स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है फटाफट लो सॉर्टेड स्केड्यूल कहाँ मिलेगा लाइव सेशन नहीं देखा था आप लोगों ने संडे को लाइव हुआ था उसमें मैंने सब बताया था कहाँ पे क्या मिलेगा तो ये जो लाइव सेशन की लिंक है ना मैं एक काम करती हूँ मैं इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देती हूँ आपको वो उसमें पूरा स्केड्यूल क्लियर हो जाएगा ठीक तो है, है मतलब क्या होता है कोर्स ट्रस्टेड है भाई बहुत सारी ट्रस्टेड है इतनी इतनी सारी ट्रस्टेड है चलो आगे बढ़े अभी है ये वर्ड्स हमारे पास यस ठीक है

टांग अरे जाओ मत हाँ स्क्रीनशॉट डन यस आप स्टैंडर्ड में हो या आप जॉब कर रहे हो आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो आपके जो हैं मान लो वो बहुत छोटे उन्हें भी बिठाओ क्यों क्योंकि दे डो नॉट हैव टू रीड तो उनको धीरे धीरे बहुत अच्छा आएगा जब तक वो आपकी एज में पहुंचेंगे तब तक तो वो इंग्लिश बोलने लग जाएंगे ठीक है ये हाश डन यू आर नॉट एबल टू फाइंड द ग्रामर प्ले लिस्ट अरे भाई वंश तुम ये लिंक बाद में दे देना दे पहले मुझे आप लोग वंश को बोलो दो मिनट रुक जाए थम जा थाम जा, थाम जा मेरे भाई एक बार मुझे पढ़ तो दे जो एक्चुअल डाउट्स हैं मैम आई डिड नॉट फाइंड ग्रामर प्ले लिस्ट ग्रामर प्ले लिस्ट कैसे नहीं मिल रही है आप जाओ जैसी क्लास जो भी क्लास में जा रहे हो उस क्ला, क्लास में क्लिक करो मैग्नेट ब्रिंस की वेबसाइट पे जाओ जो भी क्लास है उस क्लास पे क्लिक करो वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में मेरा ग्रामर लिखा होगा और मेरे ये फेस की जो है ना एक फोटो चिपकी होगी वहां पे ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ट्रस्ट मी यू ओनली हैव टू क्लिक डू कैन टेल मी ओके नेक्स्ट इज चलो भाई जल्दी जल्दी ठीक है स्क्रीन शॉट डन ओके okay, अगर आपको टेंसेसिस में दिक्कत है तो टेंसेस को भी एक्सप्लेन तो मैंने पूरा किया हुआ है और उसके अलावा लाइव सेशन भी ले चुकी हूँ तो प्लीज़ आप उसको देखो अगर आपने लाइव सेशन देख लिया अगर आपने अच्छा लाइव सेशन जितने लोगों ने टेंसेस का देखा था बहुत अच्छा गया था राइट बहुत अच्छा गया था ना थैंक यू श्रुति थैंक यू सो मच सो आई एम कि लाइव सेशन बहुत अच्छा गया था टेंसेस का तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो पहले तो आप वो देख लो और अगर अगर उसके बाद भी डाउट है ना तो जो ग्रामर की वीडियोस है उसमें हर टेंस को मैंने काफी ज्यादा अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किया है प्लस उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बहुत हैं तो आप उनको देख लो ठीक है आगे बढ़ें हाँ जी ये आई थिंक हमारा लास्ट सेकेंड पेज है मैम मैंने कुछ सेंटेंसेस भेजे थे प्लीज चेक कांति सिंह हैव चेकड ऑल योर सेंटेंसेस आज क्या हुआ ये लाइव था ना मैं थोड़ी बिजी चल रही थी तो मैंने नहीं देखा बट आई एम गोइंग टू रिप्लाई ट्रस्ट मी आई सीन क्योंकि आपने मुझे टैग किया था तो मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया था ओके okay. ये ये वाले वर्ड्स जो है ना आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए ठीक है इसका मतलब होता है पैदल चलने वाले लोग हॉकिकिंग का मतलब ये जो कार जो बार बार हॉर्न बजाते हैं या गाड़ी की पिपिप होती है ना उसको हॉन्किंग कहते हैं और जॉसलिंग मतलब क्या होता है जॉसल का ना मतलब धक्का वक्का मार देना ठीक है और ये देखो इन्यूमरेबल पेमेंट ये दो वर्ड्स हो गए लिया इसका स्क्रीनशॉट अब है हमारे पास ये ओके आई थिंक ये है लास्ट सेकेंड क्योंकि यहां पे हमने पढ़ा था ना दैट ही वाज वेरी हैप्पी वो रैपिंग पेपर को खोल रहा था सो थैंक यू आंचल लेकिन लेकिन मैम मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस में किया था मुझे कोई रिप्लाई आपने मुझे टैग किया था अगर आपको रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब शायद आपने मुझे टैग नहीं किया था अगर आप एड्सवाति वी करके टैग करोगे ना देन देर वोट बी एनी प्रॉब्लम क्योंकि वो बहुत पुराने वीडियोस हैं ना तो अगर आप उसमें मैसेज करोगे मुझे टैग किए बिना तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो अगर आप टैग कर लोगे तो पक्का पक्का नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है अब ये रहे आपके लास्ट ठीक है तो बस ये हमारे लास्ट वर्ड्स हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वी आर डन, सॉर्टेड? हाँ जी हाँ जी और वन मोर थिंग वैसे तो ये मैं ग्रामर के वीडियोस में जो है डाल ही दूंगी मतलब जो कम्युनिटी uh, पोस्ट में बट ग्रामर का जो नेक्स्ट लाइव वीडियो है जो कि आने वाला है सैटरडे को फाइनली आफ्टर ऑल योर रिक्वेस्ट हम मॉडल्स पढ़ाने वाले हैं मॉडल वर्ब्स ठीक है मॉडल्स पढ़ाने वाली हूं मैं मॉडल्स मतलब स्टार्टिंग से लेके कैन कोड शेल शुड विल वुड सबकी वाट लगा देंगे हम और उसके बाद करेंगे इतनी सारी एक्सरसाइजेस कि मैम किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे आप लाओगे परफेक्ट नंबर्स ठीक है आपके स्कूल में टेंसेज कितने भी एडवांस आए बेटा कितने भी एडवांस आए आपको आना बेसिक ही है मतलब बेसिक का मतलब आपको उसका बेस आ जाए ना आप कितने भी एडवांस लेवल के टेंसेस कर सकते हो सो so, आप क्लास एट के उसमें जाओ उसमें मैंने एडवांस क्वेश्चन दिए हुए हैं फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट है ना जिस क्वेश्चन को लो लिखो और मुझे टैक करो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगी कि, कि किस तरीके से उसमें क्या प्रॉब्लम है और आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है आई एल हेल्प यू विद डैट ठीक है आंचल बट आंचल ग्रामर इज नॉट बोरिंग ग्रामर पता है क्यों बोरिंग लगती है हमको क्योंकि हम लगता है कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही अभी तुम लोग मॉडल वर्ब्स पढ़ोगे ना मेरे साथ वो मॉडल वर्ब्स को देखना मजा आने वाला है ट्रस्ट मी ऑन दैट कितने लोग आने वाले हैं मॉडल वर्ब्स में कितने बजे अरे सैटरडे को अभी अभी अब भी सैटरडे सिक्सटीन को सिक्सटीन को हम लेंगे और या तो चार बजे या सात बजे

इसको हो गया जम्बल सेंटेंस अब इसको सही करना पड़ेगा सही कैसे करोगे जब पता है सेंटेंसेस बनाओगे कैसे और ये मैंने लिया है ग्रामर के सेंटेंसेस वाले इसमें फर्स्ट वीडियो है उसको जाके चेक करो टेंशन खत्म हो जाएगा सिक्स ओ अच्छा ओके सेवन ओ क्लॉक तो आई डोंट थिंक हो पाएगा या तुम लोग कुछ लोग सिक्स बोल रहे हो कुछ फोर बोल रहे हो मुझे पक्का पक्का बताओ किस टाइम पे आना है कमऑन सिक्स ओ क्लॉक रखें चलेगा ये चैट इतनी जल्दी जा रही है ना अच्छा एक काम करना एक काम करना ठीक है आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता देना वो आई थिंक सबसे अच्छा रहेगा कमेंट सेक्शन में बताना व्हेन डू यू वांट मी टू कम ओके चलिए आज का सेशन होता है हमारा खत्म और मॉडल वर्ब्स के लिए मिलेंगे सैटरडे को और आगे की कहानी जाने के लिए हम मिलेंगे वेंसडे वेंसडे ठीक है वेंस डे वेडनसडे नहीं वेंसडे सो so, आगे की कहानी जानने के लिए हम मिलेंगे वेंसडे को शाम को सात बजे जहाँ पे अब निषाद उस बांसुरी के साथ क्या करने वाला है किससे मिलने वाला है उनकी कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है इसके लिए विल मीट सून टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एन्जॉय योर सेल्फ और खूब खुश रहो कीप रीडिंग कीप रीडिंग मैं बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ यू हैव टू हेल्प मी ओके यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मेहनत विथ मी चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एंड मैग्नेट ब्रेंस में जो आपको सबसे बड़ी सुविधा मिलती है विच इज़ फ्री एजुकेशन प्लीज प्लीज़ इस ऑपरचुनिटी को अवेल करो ये ऑपरचुनिटी सबको नहीं मिलती हमें नहीं मिली थी अगर हमारे टाइम पे मैग्नेट ब्रेंस होता ना तो कहाँ होते आज हम आपके सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए मैग्नेट ब्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिल जाए जस्ट अवेल इट स्पोकन इंग्लिश कोर्स कोई फ्री में नहीं देता ठीक है तो अब मिलते हैं हम वेंसडे को बहुत खुश रहो बहुत अच्छे से देखो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड यस मुझे अच्छा लगेगा जब आप ये सेशन को लाइक करोगे और मुझे ये बताओगे ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ठीक है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंजॉय गुड नाइट बाय